फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। देश भर में मौसम सर्द होता जा रहा है। बारिश, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही हैं। कई पहाड़ी प्रदेशों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सर्दी का सितम बढ़ गया है। बिहार के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए 11 जनवरी से 13 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बादलों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण पूर्वी भारत के कई हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र ठंडी हवाओं की गिरफ्त में रहेंगे, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। उधर जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल रही है। पिछले 7 दिनों से हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें दोगुनी कर दी हैं। कड़ाके की ठंड ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक नीचे गिर गया है। यहां कई सड़कें बर्फ से बिल्कुल ढक चुकी हैं। भारी बर्फबारी से गाड़ियों की आवाजाही में भी दिक्कत देखने को मिली है। कई इलाकों में तो सड़कें बाधित हैं, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया है। उत्तराखंड में भी तापमान में गिरावट आई है। हालांकि प्रदेश के चौपता समेत कई जगहों पर बर्फबारी रुकी है, तो लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं रुद्रप्रयाग में टूरिस्ट पॉइंट पर कई फीट मोटी बर्फ जम चुकी है। 3 दिन के भीतर लगभग 5 फीट तक बर्फ गिरी है। 4 दिनों से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को येलो अलर्ट जारी करने के साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ इलाकों में अगले 2 दिन के लिए गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। IMG के मुताबिक नागपुर सहित पूर्वी विदर्भ के कई जिलों में मंगलवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी। अधिकारियों की माने तो IMG के नागपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने गुरुवार तक के लिए विदर्भ के नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, गोंदिया, भंडारा और गिरचौली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली NCR में गिरते तापमान और बढ़ती ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कपकपी बढ़ चुकी है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा और धीरे धीरे ठंड में भी राहत मिल सकती है। इसी बीच दिल्ली NCR के में मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में दिन में हल्की धूप भी निकलती दिखाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।